हरियाणा में रोहतक लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंदर शांगवान अपने गांव खरकड़ा में दंडवत पहुंचे। जेजेपी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद वह पहली बार गांव पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने गांव की सीमा से दंडवत चलना शुरू कर दिया और करीब 1 किलोमीटर तक पेट के बल चले। इसके बाद गांव के बाबा श्योतनाथ मंदिर में माथा टेका। गांव खरकड़ा निवासी रविंदर सांगवान करीब 18 साल से राजनीति में सक्रिय है। अब उन्हें टिकट मिली है तो उन्होंने सांगवान ने कहा कि उनके मन की आस्था थी, इसलिए वह पेट के बल चल मंदिर में पहुंचे और बाबा श्योतनाथ मंदिर की गांव में काफ़ी मान्यता है। रविंद्र सांगवान ने कहा कि मैम ओबीसी से केवल चौधरी देवीलाल परिवार ने ही लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किया है। यह दूसरा मौका है कि जब मैम ओबीसी का उम्मीदवार रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी ने मैम ओबीसी से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। रविंदर सांगवान ने बताया कि उन्होंने 2006 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और इनेलो से शुरुआत की। इसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने उन्हें साल 2009 में इनेलो के कलानौर से युवा हलका अध्यक्ष का पद सौंपा। वहीं 2 साल बाद 2022 में युवा प्रदेश महासचिव बनाया गया। फिर साल 2015 में युवा जिला अध्यक्ष का पद सौंपा गया। वहीं साल 2018 में इनेलो के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर अजय चौटाला ने जेजेपी का गठन किया तब रविंदर सांगवान को युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। तब से अब तक वह जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। रविंद्र सांगवान के पिता ट्रक ड्राइवर हैं, वहीं वह दो भाइयों में छोटे हैं। बता दें कि गांव खरकड़ा स्थित गांव बाबा श्योतनाथ की मान्यता काफ़ी है। गांव में जब भी कोई शुभ काम होता है या किसी के घर में खुशी होती है तो लोग इस मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते हैं। लोगों में मंदिर को लेकर काफ़ी आस्था है। ग्रामीणों के अनुसार हर शुभ काम की शुरुआत गांव के बाबा श्योतनाथ मंदिर से ही की जाती है। वहीं लोग जो भी इस मंदिर में करते हैं उससे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बने रहे चैनल के साथ मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।